फ्रेंड्स दिस इज काजल शर्मा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान ऑफ सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स फर्स्ट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान प्रिपेयर करने से पहले कंपल्सरी होती है लिखनी सबसे पहले प्योपल टीचर का नेम सब्जेक्ट क्या है जिसका लेसन प्लान आप प्रिपेयर करने वाले हैं टॉपिक क्या है रोल नंबर क्या है पीपल टीचर का ड्यूरेशन ऑफ लेसन यानी जो लेसन प्लान आप प्रिपेयर करते हो विक किस टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं एंड लास्ट है डेट सबसे फर्स्ट हेडिंग है जनरल ऑब्जेक्टिवस जनरल ऑब्जेक्टिव रिलेट करते हैं सब्जेक्ट के साथ कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली एंड लास्ट पॉइंट इज दैट टू डेवलप मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव रिलेट करते हैं नेक्स्ट है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का मीन्स है जो टॉपिक आप स्टूडेंट्स को टीच करने वाले हो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कैन डेवलप देयर राइटिंग स्किल स्टूडेंट की राइटिंग स्किल डेवलप होगी सेंटेंस टॉपिक पढ़ने के बाद सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस स्टूडेंट एबल होंगे सेंटेंस मेकिंग करने में नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज राइट वोकैबुलरी एंड लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स विल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थर्ड पॉइंट है जनरल टीचिंग एड्स यानी जनरल टीचिंग एड्स क्या होते हैं जिसमें आपका चॉक बोर्ड चॉक डस्टर पॉइंटर कुछ बेसिक से एड्स होते हैं एंड नेक्स्ट हेडिंग है स्पेसिफिक स्पेसिफिक टीचिंग टीचिंग एड्स एड्स बोला जाता है जब आप स्टूडेंट्स को चार्ट्स के थ्रू मोडाइल्स के थ्रू या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू उनको शो करके टीच करते हो उसे बोला जाता है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम आप आप करते करते हैं, perception करते हैं कि students को को कितनी है। जब तो करोगे, तो उसके लिए students की previous knowledge में उनको लेटर अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स की नॉलेज होनी जरूरी है नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग आप सबसे पहले स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हो टॉपिक टीच करने से पहले प्यूपिलीचर विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन टू को रिलेट प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज यहाँ पर प्यूपल टीचर के थ्रू कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं लाइक like प्यूपल टीचर यहाँ क्वेश्चन करती है वट डज ई एच आई एंड डी रिप्रेजेंट्स यानी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है इनको अल्फ़ाबैट कहा जाता है टीचर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वट ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट फॉर्म यानी अल्फ़ाबेट के ग्रुप को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं वर्ड्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर पूछते हैं वेन वर्ड्स आर जॉइन टुगेदर वर्ट डज इट मेड जब वर्ड्स को जॉइंट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है तो कुछ स्टूडेंट सेंटेंस आंसर करेंगे कुछ नहीं भी करेंगे एंड कुछ रोंग आंसर भी रिप्लाई करते हैं तब यहाँ पर टीचर क्या करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स

नेक्स्ट यहाँ पर आप फोर कॉलम देख सकते हो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट क्या होगा प्यूपिल टीचर्स की क्या एक्टिविटी होंगी प्यूपिल्स की की क्या होंगी? की? की क्या एक्टिविटी एक्टिविटी होंगी होंगी स्टूडेंट एंड लास्ट है चॉक बोर्ड एक्टिविटी यानी जो भी काम आप बोर्ड पर करेंगे उसको चॉक बोर्ड एक्टिविटी में लिखोगे फर्स्ट डेफिनेशन सबसे पहले प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज में टीचर यहाँ पर क्या करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन बताते हैं स्टूडेंट्स को सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स

नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पर टीचर बताते हैं कि फाइव काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी होगी वो लिसन करते हैं एंड यहाँ पर चॉक बोर्ड एक्टिविटी में टीचर क्या करते हैं जो सेंटेंस के टाइप्स है उनको राइट डाउन करते हैं चॉकबोर्ड पर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है असर्टिव सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेज क्या होते हैं देंटेंस विच डिक्लेयर और असर्ट्स स्टेटमेंट लाइक फीलिंग ओपिनियन इंसीडेंट इवेंट और हिस्ट्री एनी थिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसिस यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो जो भी सेंटेंस फीलिंग ओपिनियन हिस्ट्री और इवेंट से रिलेटेड हो डैट इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसिज एंड यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी में क्या होगा स्टूडेंट विल आस्क डाउट इफ हैडरस्टैंड स्टूडेंट क्या करेंगे कुछ भी डाउट हो उनके वो पूछ सकते हैं टीचर से एंड वो ध्यान से सुनते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं टीचर एक्टिविटी में टीचर बताते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट इंक्लूड और स्टार्ट विद वर्ड्स लाइक काइंडली प्लीज टू शो रिक्वेस्टिंग नेचर यानी जो सेंटेंस रिक्वेस्टिंग नेचर शो करें दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेज यहाँ पर प्यूपल्स एक्टिविटी के कॉलम में प्यूपल्स की क्या एक्टिविटी रहेगी स्टूडेंट्स विल आस क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं एंड लिसन केयरफुली पर आप चौक बोर्ड एक्टिविटी में क्या करोगे कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट को दोगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के होंगे फॉर एग्जाम्पल काइंडली फिनिश योर फूड काइंडली यहाँ पर क्या शो करता है इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म को एंड नेक्स्ट प्लीज ओपन द डोर नेक्स्ट

यानी स्टूडेंट्स को टॉपिक रिवाइज करवाने के लिए आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लाइक डिफाइन सेंटेंस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इस तरह के क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स से पुट करते हो नेक्स्ट है होमवर्क आप स्टूडेंट्स को होमवर्क प्रोवाइड करते हो एंड लास्ट है सुपरवाइजर्स रिमार्क एंड डेट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में